बुरहानपुर जिले में नसबंदी कराने आने वाली महिलाओं और उनके बच्चों के अस्पताल प्रबंधन ने उचित व्यवस्था की है। अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल में झूलों की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से महिलाओं और परिजनों को परेशान नहीं होना पड़ रहा। यहाँ ननिहालों की अब आसानी से देखभाल हो रही है। इस व्यवस्था से परिजनों ने खुशी जाहिर की है। उन्हें बच्चों को इधर उधर लेकर भटकने से छुटकारा मिल गया है। बता दें कि महिलाएं अस्पताल की रेलिंग पर या गार्डन में झाड़ियाँ कपड़े बांधकर झूला बनाती थी। इनमें बच्चों को सुलाया जाता था। इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने जगह और झूले की व्यवस्था कराई है, ताकि महिलाओं के परिजनों और बच्चों को परेशान ना होना पड़े। नसबंदी के लिए हमारे यहाँ हर हफ्ते में दो बार कैंप होता है, ट्यूसडे और सैटरडे भी एक कैंप होता है। तो महिलाएं फेरी फेरी से बाहर से सीएससी पीएससी से आती है, और उसके साथ में उनके साथ में छोटे बच्चे भी रहते हैं, जो ब्रेस्ट फिटिंग वाले बच्चे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने झूला करके व्यवस्था की गई है। तो ऑपरेशन जब महिला का ऑपरेशन होता है या ऑपरेशन के पहले जब जांचें होती है, तो उस समय बच्चे को झूले में अगर उसको रखना है या फीडिंग करवाना है, फीडिंग करवाने बंद बच्चा सो जाता है तो उनको वहाँ रखना है। तो इस तरह से हमने 30 झूलों की व्यवस्था की गई है, और साथ में जो हमारा 110 नंबर वार्ड है उसमें महिला वार्ड जो टीटी वार्ड है उसके साथ में झूले की व्यवस्था की गई। परेशानी थी हमारे को नीचे जाने की आने की, बच्चों को सुलाने की, अभी सुविधा बहुत हो गई अच्छे से। क्या बना दिया यहाँ पे? झूला घर बना दिया, झूला घर है, बेड लगे हुए हैं, बेडशीट है, सब कुछ सुविधा है यहाँ पर, पानी की सुविधा है। हम बच्ची का ऑपरेशन करवाने आए हैं। परेशान नहीं हो रहे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे झूले में आपका बच्चा भी रहने रहा है? जी हाँ, ऑपरेशन हो जा रहा है। हाँ सर, पहले कैसी रखते थे बच्चों को? माता जो आती बाहर झूला बांधना पड़ता था, मदद लेना पड़ती थी, दूसरों से पूछना पड़ता था। अभी तो सब बेड के पास में एक झूला है, तो कोई दिक्कत नहीं हमारे को। क्या नाम आपका? जी फेमिंदा भी।